मरीजों में हो रहा है इजाफा, मरीजों को नहीं मिल पा रहा एफोटेरिसिन बी का इंजेक्शन। 2200 मांगने पर ईमानदारों को 492 ही मिल पा रहा है। रेड क्रॉस सोसाइटी में ईमानदार भटकने को मजबूर है। सीएमओ और कमिश्नर फोन तक नहीं कर रहे रिसीव। तो लखनऊ में ब्लैक फंगस के मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है, इसको लेकर लगातार जो इंजेक्शन सबसे ज्यादा इस पर प्रभावी है वो नहीं मिल पा रहा है। 2200 मांगने पर सिर्फ 492 इंजेक्शन की आपूर्ति हो पा रही है। रेड क्रॉस सोसाइटी से ईमानदार लगातार नाराज दिखाई दे रहे हैं। सीएमओ और कमिश्नर को फोन तक किया जा रहा है लेकिन वो फोन उनके सचिव नहीं उठा रहे हैं। तो बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से इस वक्त ही दिखा रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से सामने आ रही है। पत्रकारों के परिवारों के साथ खड़े हुए सीएम योगी, कोरोना से दिवंगत पत्रकारों के परिवारों को मदद, हिंदी पत्रकारिता दिवस पर आर्थिक सहायता जारी। सीएम योगी ने 10 लाख की आर्थिक सहायता दी, पत्रकारों के परिवारों के लिए जारी की आर्थिक सहायता। तो लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पत्रकारों के परिवारों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ जुड़ गए हैं। इस कोरोना काल के संकट में जो दिवंगत पत्रकारों के परिवारों को मदद दी जाएगी। वहीं अगली बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से ही सामने आ रही है। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को मिलेगा बॉडी वॉर्न कैमरा। बॉडी वॉर्न कैमरे से लैस होंगे ट्रैफिक पुलिस कर्मी। ट्रैफिक कर्मियों को रिकॉर्डिंग भी रखनी होगी सुरक्षित। कैमरे बंद मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। तो नया आदेश पारित कर दिया गया है। अब ट्रैफिक पुलिस अफसरों के पास बॉडी वॉर्न कैमरा होगा जिसको लेकर वो अब ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। वहीं कैमरा अगर बंद पाया गया या रिकॉर्डिंग सुरक्षित नहीं रखी गई तो ट्रैफिक चालक जो है, पुलिस जो है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। वहीं अगली एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ही सामने आ रही है। वसूली करने वालों के खिलाफ चलेगा अभियान, अस्पतालों पर अभियान चलाकर की जाएगी कार्रवाई। मरीजों से वसूली करने वाले अस्पतालों पर होगी कार्रवाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रदेश भर में जल्द शुरू होगा अभियान। लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर इस वक्त की सीतापुर से सामने आ रही है। युवक का पेट से लटका मिला शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। मामले को लेकर जांच में जुटी पुलिस। मिश्रिक कोतवाली क्षेत्र का मामला, तो सीतापुर से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं जहां एक युवक का शव पेट से लटकता मिला जिसके बाद परिजनों ने इस पूरी घटना पर हत्या की आशंका जताई है। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये थी ब्रेकिंग बैक टू बैक, फिर हाजिर होंगे आप कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।